हाँ जी दोस्तों, तो जो हमारा आज का कंटेंट है वो है रजिस्टर के ऊपर, जिसके अंदर हमारे जो सेक्शंस कवर होंगे वो होंगे 88 से लेके 91 तक। लेकिन हम जो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं इस चार सेक्शनों का सबसे बड़ा सेक्शन, जो कि हमारा सेक्शन नंबर 88 है। जो 88 है वो बात करता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के ऊपर, तो उसको हम डील करने वाले हैं सेक्शन 88 को इस वाले वीडियो के अंदर। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर फॉरन रजिस्टर का भी पॉइंट आने वाला है, जो कि इसी के अंदर कवर हो जाएगा उसका फोर्थ सेक्शन। तो ओवरऑल अगर मैं सबसेक्शंस की बात करूं तो सबसेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, सबसेक्शन फोर जो है वो फॉरेन रजिस्टर का आएगा, उसके बाद पेनल्टी आगे बात खत्म हो जाएगी। मतलब ओवरऑल पांच सबसेक्शन है 88 के अंदर, बट कुछ रूल्स का यूज है यहाँ पे, रूल 3, 4, 5, 6, 7 तक है, तो वो रूल्स के चक्कर में थोड़ा सा हमारा कंटेंट लेंदी हो जाएगा, बट आपको रूल वाइज ही चीजें ध्यान होना जरूरी है। तो फटाफट से चलो इसको स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पेज है इसमें आपको बस ओवरव्यू दे रहा हुआ है, ये आपके लिए तब काम आएगा जब एक बार आप पढ़ चुके हो, तो उसके बाद आपको यहाँ से रिवाइज करने में ये हेल्प करेगा कि सेक्शन 88 इसके ऊपर बात करता है, जिसके अंदर रूल 3 इस चीज के ऊपर है, रूल 4 इस चीज के ऊपर है, रूल 5 इस चीज के ऊपर है, 6 इसके ऊपर है, 7 इसके ऊपर है। बट इनिशियली मेरे हिसाब से ये आपके लिए ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। जो हम ओवरऑल पढ़ने वाले हैं वो ऑब्वियस बात आपको पता होना चाहिए, क्या पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले अपना कंपनीज एक्ट, अलॉन्ग विद दैट हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इसके लिए हमारे पास जो रूल्स आएंगे वो कहां से आएंगे, कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014। तो इसके बहुत सारे रूल्स हैं इसके अंदर जो यूज होने वाले हैं, इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर रूल 3 से लेकर रूल 7 तक की बातें होंगी। चलिए, तो सेक्शन 88 है जो बात करता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, और उसके बाद वर्ड यूज हो गया यहाँ पे ईटीसी का। पहले मैं चीज को क्लेरिफाई कर दू यहाँ पे कि बात किस चीज की हो रही है। तो हमें रजिस्टर मेंटेन करना है, किसका मेंटेन करना है, मेंबर्स का। मेंबर्स कौन होते हैं, कहलाते हैं जिनके पास हमारे शेयर्स हैं, वो हमारे मेंबर्स होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हमारे पास होता है। नंबर 2 हमारे होते हैं डिबेंचर होल्डर्स, नंबर 3 होते हैं अदर सिक्योरिटी होल्डर्स लाइक बॉन्ड्स वगैरह। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से जो भी आपने फंड वगैरह जिनसे भी रेज किया हुआ है, तो आपने शेयर होल्डर से किया होगा, डिबेंचर होल्डर से किया होगा, या थ्रू बॉन्ड वगैरह किया होगा, तो जो भी ये मेंबर्स हैं, इनको एक वर्ड यहाँ पे मेंबर्स है उसका ईटीसी कह दिया गया है, बट जितने भी ये लोग हैं इनको मैं कॉमनली लेके चलूंगा यहाँ पे कि ये मेंबर्स ही हैं, चाहे वो डिबेंचर होल्डर है उसको भी सिर्फ इस सेक्शन के लिए मेंबर बोल के चलेंगे, अदर सिक्योरिटी होल्डर को भी हम मेंबर बोल के चलेंगे। तो इन सभी लोगों का आपको क्या मेंटेन करना जरूरी है, एक रजिस्टर। ऑब्वियसली बात है, कंपनी जिनसे पैसा लग रही है उसका एक रिकॉर्ड तो रखेगी ना, एक रजिस्टर तो बनाएगी ना कि किन किन लोगों से कितना कितना पैसा लिया हुआ है, क्या क्या उनकी रीपेमेंट की ऑब्लिगेशन वगैरह, कब कब उनको रीपेमेंट दिया जाएगा। डिबेंचर होल्डर्स की बात करें तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इनफैक्ट इसी है, पूरे दस्तावेज कंपनी के पास एक रिकॉर्ड के तौर पे मेंटेन होना चाहिए, जिसकी लाइबिलिटी आती है सेक्शन नंबर 88 के अंदर, जो कहा जाता है कि ये मेंटेन करना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 88 इसके सबसेक्शन जो 1 है वो बात करता है कि हर एक कंपनी को, सबसेक्शन 1 जो है वो बात करता है कि हर एक कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है अपने कंपनी के, ऑब्वियस बात है कहां पे, रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर। फिर उसको लेके कुछ एक्सेप्शन भी आएंगी। साथ में क्या कहा जाता है कि जो शेयर्स है हमारे, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो, वो अलग अलग क्लास के भी हो सकते हैं। अलग अलग क्लास का मतलब कि इक्विटी शेयर्स के अंदर डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अंदर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं। तो थिंग इज कि बहुत सारी क्लासेस में उसको डिवाइड किया जा सकता है, जो कि आपने पीछे पढ़ा है शेयर्स एंड डिबेंचर्स वाले चैप्टर के अंदर। तो अगर वो मल्टी क्लास के हैं तो जितने भी क्लास के हो रहे हैं हर एक क्लास का एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन होगा। ऐसा नहीं कि आप क्यूमुलेटिव एक रजिस्टर मेंटेन करोगे, हर एक क्लास का चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो, हर एक मेंबर का एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। हर एक मेंबर का एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, जो कि हर एक क्लास के इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स को डिवाइड करेगा। अब वो जो मेंबर्स हैं यहाँ पे, मेंबर्स में अगेन वही चीज आ गई, यहाँ पे इक्विटी शेयर्स के मेंबर्स की बात भी हो रही है, डिबेंचर्स की बात भी हो रही है, और अदर सिक्योरिटी होल्डर की बात हो रही है। ये सारे मेंबर्स जो हैं, चाहे वो इंडिया में रहते हो चाहे वो इंडिया के बाहर रहते हो, मतलब तीन चीजें आई, हर एक क्लास होना जरूरी है उसके लिए सेपरेट रजिस्टर होगा, हर एक मेंबर का सेपरेट रजिस्टर होगा, और चाहे वो मेंबर हमारा इंडिया में रहता हो चाहे इंडिया के बाहर रहता हो, उसका एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन होगा। अब जो इसकी मेंटेनेंस के ऊपर जो फॉर्म्स होते हैं या जो भी तरीके हैं, मैनर्स हैं, वो कहाँ पे कवर्ड है, वो कवर्ड है हमारे रूल नंबर 3 के अंदर। फिर रूल नंबर 5 बताता है, जो बताता है मेंटेनेंस के बारे में। रूल नंबर 6 आएगा जो कि आएगा इंडेक्स के बारे में, और रूल नंबर 7 आएगा जो कि हमारा आएगा फॉरेन रजिस्टर के बारे में। ठीक है, तो ये सारे आपके रूल्स हैं। एक रूल नंबर 4 है वो भी हमारे बीच में कवर हो जाएगा। ठीक, तो ये रूल को आपको थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। रूल नंबर 3 इज रिगार्डिंग टू फॉर्म्स एंड मैनर। रूल नंबर 4 बेसिकली आपका डिबेंचर होल्डर के फॉर्म के ऊपर बात करता है। चलिए, तो ये आपका पहला आ गया कि मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, ये कंपलसरी है हर एक क्लास के लिए, हर एक इंडिविजुअल मेंबर के लिए, और वो सेपरेट मेंटेन किया जाएगा। 3 जो कवर करता है वो फॉर्म एंड मैनर को कवर करता है, और जो 5 कवर करता है वो बात करता है मेंटेनेंस के रिगार्डिंग में। नाउ अब यहाँ ना थोड़ा सा शफल्ड वे में दिया हुआ है, कहीं पे 5 दे दिया, कहीं पे 3 दे दिया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको रूल वाइज लेने की। ठीक है ना, तो आप एट दी एंड इसको कैसे भी पढ़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टार्टिंग में आप अगर इसको रूल वाइज पढ़ते हैं तो मेरे साथ थोड़ा सा आपको याद करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले रूल 3 की बात करते हैं। रूल 3 बात करता है किस चीज को लेकर। रूल 3 कहता है जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, मेंबर्स का मतलब कौन है यहाँ पर, इक्विटी शेयर होल्डर की बात हो रही है, उन सभी में अगर वो कोई कंपनी ऐसी है जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो उसको रूल 3 के अकॉर्डिंग जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है उसके अंदर उनके रजिस्टर को मेंटेन करके रखना है, उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करके रखना है, जिसका कि फॉर्म नंबर आएगा आपका MGT1।
ठीक है, मतलब कि कोई भी कंपनी जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसको जो मेंटेन करना है रजिस्टर अपने मेंबर्स का, वो किसके अकॉर्डिंग करना है, फॉर्म MGT 1 के अकॉर्डिंग करना है। अब अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कि लिस्टेड बाय शेयर्स नहीं है तो वो कैसे करेगी, तो उसको एक रजिस्टर मेंटेन करना है, उसको MGT 1 मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बट जो उसका रजिस्टर होगा उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर्स बताए गए हैं ये होने जरूरी है। अब वो जनरली क्या है, बेसिकली पर्टिकुलर्स अगर सिंपली कहा जाए तो किसी भी मेंबर का KYC कह सकते हो आप, कि उससे रिलेटेड जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास होनी चाहिए उन सभी को आपको रजिस्टर में रिकॉर्ड करके रखना है। अगर लिस्ट डाउन बात करें तो क्या क्या होना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है उस मेंबर का नेम होना चाहिए नंबर वन, नंबर टू एड्रेस होना चाहिए, उसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, एड्रेस मीन्स फिजिकल एड्रेस होना चाहिए, अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का भी एड्रेस होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, उसका पैन नंबर होना चाहिए, अगर कोई मेंबर हमारा कंपनी है तो उसका सिन नंबर होना चाहिए, नेशनैलिटी कहाँ की है उसकी, इंडियन है या फिर NRI है तो उसकी नेशनैलिटी पता होना चाहिए। अगर बात करें माइनर की, इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है कि अगर बात करें माइनर की तो माइनर का रजिस्टर कभी भी मेंटेन किया नहीं जा सकता अगर उसके गार्जियन की भी इंफॉर्मेशन ना हो तो, मतलब कि माइनर मेंबर को तभी रजिस्टर किया जाएगा जब उसकी गार्जियन की इंफॉर्मेशन भी उसके साथ में होगी, तो गार्जियन की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। नाउ डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए माइनर के केस में, और जो नॉमिनी है उसका भी नेम और एड्रेस होना जरूरी है। कब वो हमारा मेंबर बना वो डेट होनी चाहिए, कब वो मेंबर से हट जाएगा मतलब सेसेशन की डेट अगर पता है तो वो भी होनी जरूरी है। जनरली डिबेंचर्स के केस में या फिर और अदर इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हो कि जहां उनको लिमिटेड पीरियड के लिए इशू किया गया है, वो भी सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटी इशू की गई है, तो उनकी सेसेशन की डेट भी हो सकती है, तो अगर है तो वो भी आपको लिखना है। अगर गारंटी है इन्फॉर्मेशन गारंटी की तो वो भी आपको लिखनी है। कोई और इंटरेस्ट है तो वो भी मेंशन होना चाहिए अलॉन्ग विद दैट, कि जो उनको नोटिस प्रोवाइड किया जाएगा मीटिंग्स वगैरह के रिगार्डिंग, वो नोटिस या उसके लिए अगर कोई इंस्ट्रक्शन जारी हो रखा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपके रजिस्टर में होनी चाहिए। ठीक है, ये बात करके गया आपका रूल नंबर 3। फिर बात करते हैं रूल नंबर 4 की, वो बात करता है रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स या फिर अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। तो उस केस में जैसे आपने देखा कि इन केस ऑफ मेंबर्स तो वहां पे बात हो रही थी इक्विटी शेयर होल्डर्स की या शेयर होल्डर्स की, अगर डिवेंचर होल्डर की बात करें तो उसके ऊपर लगता है रूल नंबर 4। और रूल नंबर 4 कहता है कि भैया अगेन आपको रजिस्टर मेंटेन करना है डिवेंचर होल्डर का भी, लेकिन उसके लिए जो फॉर्म यूज किया जाएगा वो किया जाएगा MGT 2। ठीक है, तो रूल नंबर 3 ने MGT 1 के बारे में बताया, रूल नंबर 4 बताता है MGT 2 के बारे में, जो कि बात करता है रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स की। तो रूल नंबर 4 तक आपका खत्म हो जाता है। रूल नंबर 5 में काफी सारी बातें क्योंकि वो मेंटेनेंस के रिगार्डिंग है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो रूल नंबर 5 बताता है वो बताता है टाइम के रिगार्डिंग में कि भैया कब रजिस्टर में एंट्री हो जानी चाहिए। तो ये कहा गया है कि 7 दिनों के अंदर अंदर, 7 दिन कहां से, आपकी जो अलॉटमेंट की डेट की अप्रूवल हो गई, मतलब कि जो भी आपकी बोर्ड थी उन्होंने अप्रूव कर दिया कि हाँ जी शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे, डिबेंचर्स अलॉट कर दिए जाएंगे या फिर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन अगर ट्रांसफर का केस होगा तो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, मतलब जब भी उसकी डिसीजन मेकिंग फाइनल हो गई, किसके द्वारा होगी, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा होगी या फिर उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए अगर हमने कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की हुई थी तो उस कमेटी ने उसकी अप्रूवल अगर दे दी तो जिस दिन भी वो अप्रूवल आया है उसके 7 दिन के अंदर अंदर एंट्री हो जानी चाहिए रजिस्टर के अंदर, ऐसा कहता है रूल नंबर 5। नंबर 2 फिर बात करता है कि भैया जो रजिस्टर है ये रखा कहाँ जाएगा, तो रूल नंबर 5 इसके ऊपर भी मेंटेनेंस का है, तो इसके ऊपर भी बात करता है। क्या कहता है कि जो भी आपके रजिस्टर है वो मेंटेन किए जाएंगे कहाँ पे, रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर, सिंपल सी बात, पर इसको कहीं और भी रखा जा सकता है। कहाँ रखा जा सकता है, तो कहीं और रखने के लिए 2 एसेंशियल कंडीशन है। नंबर 1 कि अगर इसको रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और रखना है तो सबसे पहले आपको होना चाहिए रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है। और नंबर 2 कि उस दूसरी जगह में कम से कम आपके 10% मेंबर जो है जिनका नाम उस रजिस्टर में लिखा हुआ है वो कम से कम 10% मेंबर उस पर्टिकुलर स्टेट या उस पर्टिकुलर स्टेट सिटी में रहने होने चाहिए। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1/10 लिखा है, आप सिंपली उसको 10% समझ सकते हो कि सपोज करो 200 मेंबर है तो किसी भी ऐसे सिटी या स्टेट में रखा जा सकता है जहां कम से कम 20 या उससे अबव मेंबर हो, रहते हो, रिसाइड करते हो, तो वैसे सिटी में भी रख सकते हो, ये कंडीशन होना जरूरी है। अलॉन्ग विद दैट आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो। ठीक है, इसके ऊपर बात करता है हमारा रूल नंबर 5। नाउ रूल नंबर 5 एक और चीज के बारे में कहता है कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू दी मेंबर जिसकी की अपडेशन होनी चाहिए हमारे रजिस्टर के अंदर, तो वो भी आप करोगे। मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज करो कि कोई मेंबर ऐसा है जो अपनी सिक्योरिटी को सपोज कहीं पे प्लेज कर देता है या हाइपोथेटिकेट कर देता है, मतलब उसको कहीं पे गिरवी रख के उसने उसके अगेंस्ट चार्ज क्रिएट कर दिया, अब इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई किसके पास, कंपनी के पास, तो कंपनी को क्या इस टाइप की इन्फॉर्मेशन भी रजिस्टर में लिखनी पड़ेगी कि भैया फलाना फलाना जो शेयर होल्डर है या डिबेंचर होल्डर है उसकी सिक्योरिटी जो है वो प्लेज हो रखी है, हाइपोथेटिकेट हो रखी है, तो अगर ऐसा कुछ हो रखा है तो उसकी अपडेशन भी हमारे रजिस्टर में होनी चाहिए, ऐसा भी कहता है हमारा रूल नंबर 5। तो कह रहा है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी इन्फॉर्मेशन, सपोज करो किसी डिबेंचर या मेंबर के
अगेंस्ट या उसके फेवर में कोई ऑर्डर आ गया आरएससी के द्वारा, एनसीएलटी के द्वारा, कोई केस चल रहा था, कोई भी कुछ कुछ भी विवादित चीजें हैं, कोई भी डिस्प्यूट है, द थिंग इज कि कोई भी रेलेवेंट मैटर है उन शेयर होल्डर या उन मेंबर्स के रिगार्डिंग, डिबेंचर होल्डर्स के रिगार्डिंग, तो उसको भी आपको अपडेट करना है अपने रजिस्टर के अंदर, ऐसा भी कहता है रूल नंबर 5। नाउ आगे देखते हैं अपडेशन ऑफ रिवॉर्ड्स ऑफ मेंबर। इसका भी मतलब वही है कि अगर कोई चेंजेस हुए हैं, चेंजेस का मतलब क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे मतलब है कि सपोज करो कोई हमारा मेंबर है, मेंबर में अगेन वही सारी चीजें कवर हो रही है, उसकी डेथ हो गई, कोई इंसॉल्वेंसी हो गया, किसी का नाम चेंज हो गया, किसी ने अपना जो है वो मेंबरशिप जो भी उसका जो शेयर्स के जो अमाउंट थे उसको ट्रांसफर कर दिया इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, या कोई और रीजन, कोई भी ऐसी रीजन जिसको की अपडेट करना जरूरी है, तो उसको भी अपडेट किया जाएगा। तो वहां पे जो बात आ रही है, पीछे जो बात आई वो रिलेटेड था किस चीज के, जब हमने यहाँ पे देखा, जब हमने अदर इन्फॉर्मेशन की बात करी, तो यहाँ पे बात किसकी हुई थी, बेसिकली जो प्लेज या हाइपोथेटिकेशन इसके रिलेटेड है, या फिर कोई अथॉरिटी का कोई ऑर्डर आ गया, अथॉरिटी का ऑर्डर मतलब कि एनसीए का कोई ऑर्डर है, एनसीएलटी का कोई ऑर्डर है, सपोज रीजनल डायरेक्टर का कोई ऑर्डर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर है, तो इस टाइप के कोई ऑर्डर्स के रिगार्डिंग में कोई अपडेशन है तो वो करना भी जरूरी होता है। और यहाँ पे बात कर रहा है अपडेशन ऑफ रिवॉर्ड्स ऑफ मेंबर, तो इसमें जनरली चीजें आएंगी कि कोई भी इफेक्टिव एक्टिविटी अगर ऐसी हुई है उन मेंबर्स थे, तो उसमें जनरली एग्जांपल के तौर पे आपके दिए हुए हैं कि डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, इस टाइप की चीजें, तो उसको भी आपको अपडेट करना जरूरी हो जाता है। नाउ रूल नंबर 6 है जो कि इंडेक्स की बात करता है। इंडेक्स का बेसिकली मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप देखते हो अपनी किताबों के ऊपर इंडेक्स बना होता है, ठीक है, आप अपने नोटबुक के ऊपर इंडेक्स बनाते हो, तो ऐसे सिंपली कहा गया कि भैया अगर आप रजिस्टर बना रखा है तो उसका भी एक इंडेक्स बनाओ ना, ताकि इंडेक्स से पता लगे कि किसकी जगह पे कौन कौन से सीक्वेंस पे किस किस की चीजें या किस किस की डिटेल मेंशन है। तो एक सिंपल सा टर्म है कि भैया इंडेक्स होना चाहिए, नॉर्मल से क्राइटेरिया कि इंडेक्स भी आपके रजिस्टर के अंदर मेंटेन होना चाहिए। फिर ये कह देता है क्या रूल नंबर 6 की, अगर सपोज करो जो आपके मेंबर्स हैं जिसकी एंट्री आपने की है वो लेस देन 50 है, 50 से कम है, तो जरूरत नहीं है इंडेक्स की। तो ऑब्वियस बात है इंडेक्स की जरूरत क्यों होती है, जब आपको लार्ज एरिया के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज को ढूंढना हो, जब विदिन 50 होगा तो इजीली वो आइडेंटिफाई हो सकता है विदाउट इंडेक्स भी। तो एक जनरल क्राइटेरिया क्या है कि 88 का सबसेक्शन 2 कहता है कि इंडेक्स होना चाहिए। तो रूल 6 ये कहता है कि भैया इंडेक्स होना चाहिए, सही बात है, लेकिन अगर आपके मेंबर्स 50 से कम है तो उस केस में आपको रिलैक्सेशन है कि आप इंडेक्स ना भी बनाओ तो चलेगा। नाउ 88.3 क्या बात करता है, मतलब सबसेक्शन 3 बेसिकली क्या बात करता है कि अगर बात करते हैं डिपॉजिटरी की, मतलब कि आपको पता है कि जो शेयर्स होते हैं वो इश्यू होते हैं फिजिकल फॉर्म में, दूसरा होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब ई फॉर्म के जरिए जिसमें डिपॉजिटरी की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो अगर ऐसा है कि जो हमारा जो शेयर सर्टिफिकेट वगैरह है वो मेंटेन कर रखा है डिपॉजिटरी ने, उसके थ्रू हमारे शेयर्स की ट्रांजेक्शन वगैरह हुई है, तो उस केस में सारे डॉक्यूमेंट, सारे ट्रांजेक्शन एविडेंस, सारी जो रिकॉर्ड होते हैं वो सारा कहीं ना कहीं डिपॉजिटरी मेंटेन करता है। तो जो सबसेक्शन 3 है वो ये कहता है कि भैया जो डिपॉजिटरी ने रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं उसी को मान लिया जाएगा कि वो 88 के अकॉर्डिंग के रिकॉर्ड है, और वो रिकॉर्ड से भी आपका काम चल जाएगा, आपको अलग से रजिस्टर मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये कब होगा, जब आपकी ट्रांजेक्शन थ्रू डिपॉजिटरी हो रही है, तो मतलब कि फिजिकल फॉर्म में ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है, तो उस केस में आपको अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, उस डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड को ही मान लिया जाएगा कि वो इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। अब इस चीज के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे एक पैराग्राफ डाल दिया गया है, आपको इसके बारे में ऑल दो नॉलेज है, बट एक थोड़ा सा एक पैराग्राफ है तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या बात कर रहा है। ये बात यही कर रहा है कि पहले जमाने में अगर हम चले जाए तो शेयर्स वगैरह जो रखे जाते थे वो कैसे रखे जाते थे, फिजिकल फॉर्म में रखे जाते थे, और वही एक तरीके का सबूत होता था। सबूत का मतलब क्या है कि अगर किसी से पूछा जाए कि भैया तुम शेयर होल्डर हो कि नहीं हो, तो वो क्या करेगा, वो अपने हाथ से निकालेगा शेयर सर्टिफिकेट, बोलेगा ये लो जी देखो ये शेयर सर्टिफिकेट मेरे पास है, इस पर मेरा नाम लिखा है, तो मैं इसका होल्डर हूं, एक तरीके से वो एविडेंस का काम करता था। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ कि ये किस फॉर्म में आ गया, डीमैट फॉर्म में आ गया। डीमैट फॉर्म का मतलब कि जितने भी फिजिकल फॉर्म थे उसको कन्वर्ट कर दिया गया किसके अंदर, हमारे डीमैट फॉर्म के अंदर। अब डीमैट फॉर्म में जब कर दिया गया तो उसका बेसिक मतलब क्या है कि अब अगर किसी को सपोज शेयर परचेज करने, पुराने शेयर्स थे वो तो ऑब्वियसली कन्वर्ट हो गए, बट अगर किसी को नए तौर पर भी शेयर परचेज करने हैं तो वो क्या कर सकता है, सिंपली एक डीमैट अकाउंट खोलेगा, और डीमैट अकाउंट खोलने के बाद वो शेयर्स का ट्रांजेक्शन कर सकता है, परचेज सेल जो भी करना चाहे। अब ये जो परचेज सेल जो भी करना चाहे, इसका बेसिकली जो इनर सिनेरियो है, वो इनर सिनेरियो क्या है, वो कुछ इस प्रकार से होता है कि जब आप सपोज शेयर्स परचेज करते हो और आपका जो डीमैट होल्डर है वो आपको बताया या तो क्या होगा, एनएसडीएल होगा या तो सीडीएसएल होगा, इसके ऊपर मैंने पीछे देखा हुआ है, फिर इसके सब एजेंट्स वगैरह होते हैं, बट प्राइमरली दो ही चीजें हैं जो ओवरऑल काम कर रही होती है, नंबर वन इज एनएसडीएल, नंबर टू इज सीडीएसएल। अब जो भी आपका डीमैट होल्डर है, डिपॉजिटरी है, सपोज करो आप एनएसडीएल के अंदर आप ट्रांजेक्शन करते हो एनएसडीएल के थ्रू, तो एनएसडीएल आपको क्या कर देता है, एक रिसिप्ट दे देता है। रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ कि आपने जब शेयर परचेज किया तो शेयर जो परचेज किया तो शेयर जो एक्चुअली शेयर सर्टिफिकेट है वो कंपनी ने किसको ट्रांसफर कर दिया, उस डिपॉजिटरी को, ठीक है जी। और डिपॉजिटरी ने आपको क्या कर दी थी, तसल्ली के लिए एक रिसिप्ट दे दी कि हाँ भैया आपके शेयर्स हमारे पास हैं। आप जब कल को बेचते हो, आप सपोज मिस्टर ए हो, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेच दिया वो शेयर्स, तो क्या होगा, एनएसडीएल
एक अकाउंट आप जैसे सिंपली इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो जैसे कि बैंक में आपके पैसे रखे होते हैं, जब आप बैंक में एक बंदा दूसरे बैंक को ट्रांसफर कर देता है, दूसरे इंसान को ट्रांसफर कर देता है, तो क्या वो पैसे मूवमेंट पैसे निकालता है फिर अपने हाथ से पैसे देता है? नहीं, वो क्या होता है कि हम इंस्ट्रक्शन देते हैं बैंक को और बैंक ही उसको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में स्विच कर देता है, आप में लेस हो जाते हैं दूसरे में ऐड हो जाते हैं और दूसरे वाले को उसकी कंफर्मेशन मिल जाती है। सेम इसी तरीके से हमारा शेयर काम करता है कि अगर जब हम कोई शेयर को बेचते हैं तो डिपॉजिटरी बैंक की तरह काम करता है और वो हमारे अकाउंट से उतने शेयर्स को उठा के दूसरे अकाउंट में डाल देता है जो भी दूसरा परचेजर है, और उसकी कंफर्मेशन उसके पास भी आ गई, उसकी कंफर्मेशन मेरे पास भी आ गई, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉपी उसकी आ गई शेयर सर्टिफिकेट की। तो इस तरीके से हमारा आज के टाइम पे काम हो रहा होता है। चलिए ये चीज आपको बेसिकली पता थी बट इसका रेफरेंस यहाँ पे था। नाउ हमारा फोर्थ सबसेक्शन आता है जिसको कि हम करते हैं रूल सेवन से रिलेट। रूल सेवन इसके ऊपर है जो कि बात करता है फॉरेन रजिस्टर के ऊपर। फॉरेन रजिस्टर का बेसिकली मतलब क्या है कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा एक फॉरेन रजिस्टर भी। कब? जब जो आपके होल्डर्स हैं जिन्होंने होल्ड किए हुए आपकी सिक्योरिटीज, चाहे वो मेंबर्स हो, चाहे वो डिवेंचर होल्डर्स हो, चाहे वो कोई और सिक्योरिटी होल्डर है, वो रिसाइड करते हैं आउटसाइड इंडिया। इन केस अगर वो इंडियन नहीं है, आउटसाइड इंडिया रहते हैं, तो उस केस में आपको फॉरेन रजिस्टर भी मेंटेन करने की आवश्यकता हो जाती है। फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करने के लिए क्या कंप्लायंसेस हैं? तो बेसिक सी चीज आती है कि जो भी आपके शेयर होल्डर है जिन्होंने आपकी सिक्योरिटी बेसिकली ले रखे हैं, शेयर, डिवेंचर, एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर, एनीथिंग, और वो रिसाइड करते हैं आउटसाइड इंडिया, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि वो वहां के रेजिडेंट है अदर देन इंडिया के रेजिडेंट है, तो उस केस में आपको इसको मेंटेन करना पड़ता है। नाउ जो आप ये रजिस्टर मेंटेन करते हो इसकी आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है किसको? आरएसी के अंदर, आरओसी को फाइलिंग करनी पड़ेगी। और आरओसी को जो फॉर्म फाइल करोगे वो किसके अंदर करोगे? वो फॉर्म नंबर है आपका MGT3। MGT3 के अंदर बेसिकली क्या है कि आपने रजिस्टर ओपन किया, जब आपने ये रजिस्टर क्रिएट किया मतलब बनाया फर्स्ट टाइम, उसके 30 दिन के अंदर आप इन्फॉर्मेशन दे दोगे आरओसी को, जी हमने ऐसा फॉर्म रजिस्टर मेंटेन किया है। किस फॉर्म के अंदर? MGT3 के अंदर। ठीक है, ऑब्वियसली बात है जो फीस वगैरह होगी उसके साथ वो जाएगी जाएगी, जो फाइलिंग फीस हमारा होती है। अब उस इसके अंदर कोई चेंज हुआ, जो हमने फॉरेन रजिस्टर मेंटेन किया है कहीं भी फॉरेन के अंदर, उसके अंदर कोई भी अगर चेंजेस आती है, चेंज का मतलब उसकी लोकेशन के अंदर आप चेंज करते हो या फिर वो रजिस्टर बंद कर देते हो, अब जी उसके अंदर बनाना ही नहीं है, वो मेंटेन ही नहीं करना, एनी चेंजेस अगर उसके अंदर कोई भी चेंज आता है तो उस चेंज को भी आपको इंटीमेट करना पड़ेगा किसको? आरओसी को, अगेन कितने दिन के अंदर? वही 30 दिन के अंदर जिस दिन भी वो चेंज आया, मतलब जिस दिन भी उस रजिस्टर को लेकर कोई भी बदलाव हुए उस बदलाव से 30 दिन के अंदर अंदर आपको वो सूचना भी आरओसी को देनी होगी, उसका भी नोटिस आपको फाइल करना पड़ेगा। और जो भी ये फॉरेन रजिस्टर है ये क्या माना जाता है? ये हमारे प्रिंसिपल रजिस्टर का पार्ट माना जाता है। प्रिंसिपल रजिस्टर कौन है? जो 88 के स्टार्टिंग के अंदर आया, सबसेक्शन 1 के अंदर जो रजिस्टर मेंटेन करने की बात हो रही थी वो था हमारा प्रिंसिपल रजिस्टर, जिसको हम प्रिंसिपल रजिस्टर यहाँ पे कह के चल रहे हैं। और जो हम 88 सबसेक्शन 4 के अंदर मेंटेन कर रहे हैं वो है हमारा फॉरेन रजिस्टर। तो कहीं ना कहीं जो फॉरेन रजिस्टर है वो भी क्या है, एक तरीके से पार्ट ऑफ कंपनीज प्रिंसिपल रजिस्टर, जो कंपनी का प्रिंसिपल रजिस्टर है उसी का वो पार्ट है। ठीक है, किस फॉर्मेट पे बनाया जाएगा जी? जो फॉर्मेट होगा फॉरेन रजिस्टर का वो क्या होगा? तो ऑब्वियसली बात है सेम फॉर्मेट होगा फॉरेन रजिस्टर का जिस फॉर्मेट पे हमारा क्या बनाया जा रहा है, प्रिंसिपल रजिस्टर। तो फॉर्मेटिंग के अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिर बात करते हैं इंस्पेक्शन की। जो फॉरेन रजिस्टर है हमारा उसको आपको इंस्पेक्शन के लिए ओपन रखना पड़ेगा। जो भी आपकी उसकी अगर कोई कॉपीज चाहता है तो कॉपीज ले सकता है, आप उसको क्लोज करोगे, जो भी चीजें वो सारी फॉर्मेलिटी यहाँ पे चलेगी। इन केस अगर आप अपना फॉरेन रजिस्टर को क्लोज करते हो, अब बाकी इंस्पेक्शन के लिए ठीक है, वो उससे आपकी कॉपीज मांगता है तो आप कॉपीज दे सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन की भैया क्या फीस वगैरह लगेगी, तो वो सारा कुछ आपका सेम मैनर में चलेगा जो भी मैनर है किसके केस में, प्रिंसिपल रजिस्टर के केस में। लेकिन एक चीज नहीं है, एक चीज नहीं क्या है कि अगर आपको फॉरेन रजिस्टर को क्लोज करना है, प्रिंसिपल रजिस्टर को क्लोज करना है, तो ये कंडीशन वहां पे नहीं आती। लेकिन अगर मेरे को फॉरेन रजिस्टर को क्लोज करना है तो उस केस में मेरे को क्या देना पड़ेगा? एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा क्लोज करने से पहले। अब जब भी एडवर्टीजमेंट का पॉइंट आता है तो आपको पता है एडवर्टीजमेंट कहां दी जाती है? हमेशा दो न्यूज़पेपर में दी जाती है। कौन से दो न्यूज़पेपर के अंदर? एक वर्नेकुलर लैंग्वेज के और एक आपके इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर के अंदर। तो ये आपको एडवर्टीजमेंट भी एक देनी होगी। नाउ एक पॉइंट और है यहाँ पे, उतना रेलेवेंट नहीं है बट यहाँ पे उसकी मतलब मेंशन किया हुआ तो उसको एक बार समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि अगर आपका फॉरेन रजिस्टर मतलब रजिस्टर जो है वो फॉर्म में मेंटेन है, आउटसाइड इंडिया मेंटेन है, और कोई भी डिसीजन आता है किसी भी एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का उस रजिस्टर की रेक्टिफिकेशन के रिगार्डिंग, मतलब उस रजिस्टर के अंदर कोई भी चेंजेस करने हैं और उसके रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन अगर आता है तो वो जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग माना जाता है कंपनी के ऊपर, मतलब उस डिसीजन को आपको एग्जीक्यूट करना ही करना है, उसके लिए कोई आपके पास और ऑप्शन नहीं बच जाता। ना एंट्रीज कब होगी जी? तो एंट्रीज होने का सेम पॉइंट है जैसे वहां पर था कि वहां पे अप्रूवल करने के 7 दिन के अंदर बात कहा जा रहा है, तो वही यहाँ पे भी कह रहा है कि भैया एंट्री जो फॉरेन रजिस्टर में होगी वो कब की जाएगी? तो एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया कि भैया अलॉटमेंट कर दो या ट्रांसफर कर दो, या कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर उसके लिए बनाई गई थी उन्होंने अप्रूवल दे दिया, तो उस अप्रूवल होने के बाद में आप एंट्री कर सकते हो फॉरेन रजिस्टर के अंदर भी। कोई डेट यहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं है, जो 7 दिन का पीछे था आपके प्रिंसिपल रजिस्टर के केस में वो यहाँ पे नहीं आता। फिर कुछ और एक चीज है क्या,
अब फॉरन रजिस्टर फॉरन में मेंटेन किया जा रहा है, प्रिंसिपल रजिस्टर आपका अपने रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन किया जा रहा है। अब जितनी भी एंट्रीज की जाएगी उस फॉरन रजिस्टर के अंदर, उसकी सूचना आपके पास ऑब्वियसली बात है अपने रजिस्टर ऑफिस के अंदर भी तो होनी चाहिए ना। फॉरन रजिस्टर आपका फॉरन में मेंटेन है, उसके अंदर जो भी एंट्रीज वगैरह की जा रही है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी आप लेके आओगे अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर भी मेंटेन करोगे। कितने दिनों के अंदर? 15 दिनों के अंदर। मतलब कि फॉरेन रजिस्टर में जो भी एंट्री की गई उसके 15 दिन के अंदर अंदर उसकी डुप्लीकेट कॉपी आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस में भी होनी चाहिए। उसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट रजिस्टर। तो डुप्लीकेट रजिस्टर भी क्या है? एक प्रिंसिपल रजिस्टर का ही पार्ट है। प्रिंसिपल रजिस्टर का पार्ट फॉरेन रजिस्टर भी है, प्रिंसिपल रजिस्टर का पार्ट डुप्लीकेट रजिस्टर भी है, जो की कॉपी है बिल्कुल बिल्कुल किसका? फॉरेन रजिस्टर का। चलिए, तो इस चीज की क्लेरिफिकेशन भी आ गई यहाँ पे। फिर अभी कुछ पैराग्राफ है, ऐसा एसेंशियल नहीं है तो इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं। फिर बात करता है डिसकंटिन्यूएशन की, कि अगर सपोज करो आप फॉरेन रजिस्टर को मेंटेन करना डिसकंटिन्यू करने वाले हो तो जो भी उसकी एंट्रीज होगी उसको क्या कर दिया जाएगा? क्या डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा? नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। सपोज करो आप एक फॉरेन रजिस्टर को डिसकंटिन्यू कर रहे हो तो कोई और फॉरेन रजिस्टर अगर आपका मेंटेन हो रखा है किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर, तो उसमें उसकी सारी एंट्रीज को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इनकेस अगर कहीं और नहीं हो रखा तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहां पे? अपने प्रिंसिपल रजिस्टर के अंदर। मतलब क्या है कि अगर फॉरेन रजिस्टर को आप डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हो तो हो सकता है आपके 3 फॉरेन रजिस्टर थे, एक डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हो तो उसकी जितनी भी एंट्रीज है उसको किसी और 2 फॉरेन रजिस्टर के अंदर आप ट्रांसफर कर दो। अगर नहीं जी, एक लौता ही फॉरेन रजिस्टर था तो उस केस में जितनी भी उसकी एंट्रीज होंगी वो सारी ट्रांसफर आपको करनी पड़ेगी। मतलब उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कहां पे? अपने प्रिंसिपल रजिस्टर के अंदर, उसके बाद ही आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो। तो ये थी आपकी सबसेक्शन 4 की बात है। सबसेक्शन 5 बात करता है पेनल्टी के ऊपर। मतलब कि अगर आपने ये सारी बातें नहीं मानी जो 88(1) के अंदर था, 88(2) के अंदर था, इस टाइप की चीजों को अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो, इसके एक्ट के अकॉर्डिंग काम अगर नहीं करते हो तो पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितनी लगेगी जी? तो मिनिमम पेनल्टी है 50,000 रुपीज, जो कि मैक्सिमम एक्सटेंड की जा सकती है कितनी? 3 लाख रुपीज तक। और अगर ये जो आपकी पेनल्टी होगी ये कॉन्टिन्यूइंग नेचर की होगी। कॉन्टिन्यूइंग नेचर का मतलब क्या हुआ? जैसे 7 दिन के अंदर इंटीमेट करना था, आपने 12 दिन के अंदर किया, ठीक है, तो इसमें आपने कॉन्ट्रावेंशन किया, लेकिन दिस इज व्हाट कॉन्टिन्यूइंग नेचर का। तो कॉन्टिन्यूइंग नेचर के केस में क्या होगा कि 7 दिन से लेके 12 दिन के बीच में जो भी 5 दिन लगे, उस 5 दिन के पे आपका 1,000 रुपए पर डे के हिसाब से एडिशनल पेनल्टी लगेगी। मतलब 50 और 3 लाख का जो है वो तो एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बना दिया गया फिक्स्ड पेनल्टी। एंड अलॉन्ग विद दैट एक कॉन्टिन्यूइंग पेनल्टी भी लगेगी अगर आपका जो वायलेशन है वो कॉन्टिन्यूइंग नेचर का होगा, तो 1,000 रुपीज पर डे के हिसाब से आपकी एडिशनल पेनल्टी और लगेगी इसके अंदर। ये जो पेनल्टी किसके ऊपर लगेगी? कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट, मतलब दोनों के लिए अलग अलग पेनल्टी नहीं है। फिर अगले पॉइंट में इसमें बताया गया कि क्या नेचर इस ऑफिस का। तो ऑब्वियसली बात है, आप देखो कि यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट की बात नहीं हो रही है। इम्प्रिजनमेंट की बात नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है? ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, जो कि आपको बताया जाता है सेक्शन नंबर 441 में। अब सेक्शन 441 क्या है? सेक्शन 441 बात करता है ऑफेंसेस के बारे में, जिसके अंदर 2 ऑफेंसेस को बेसिकली बताया गया है, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल का बेसिकली मतलब होता है जहां पे आप पेनल्टी फाइन पे कर करके अपने ऑफेंसेस के ऊपर आप कह सकते हो कि मिट्टी पा सकते हो, उसको खत्म कर सकते हो। बट नॉन कंपाउंडेबल कहां होता है? जहां पे इम्प्रिजनमेंट की सिक्वेंस है, मतलब इम्प्रिजनमेंट का इन्वॉल्वमेंट है और उसके अंदर वो अवॉइड नहीं हो सकता। मतलब कि कोई भी ऐसे ऑफेंस या कोई भी ऐसा वायलेशन जो कि आप पेमेंट के थ्रू, फाइन, पेनल्टी, स्पेशल एडिशनल फीस, एडवोलरम फीस, एनीथिंग, कुछ भी पे कर करा के आप अगर उससे छुटकारा पा सकते हो तो वो कंपाउंडेबल है। और अगर उसमें इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन है जो कि आपका अवॉइड नहीं किया जा सकता इन एनी केस, जैसे कि कई बार आपके और का ऑप्शन देखा है, तो उस और के अंदर आपके 441 के अंदर क्या बताया गया कि अगर और का सिनेरियो है तो इसके ऊपर डिसीजन लेता है हमारे स्पेशल कोर्ट। तो स्पेशल कोर्ट ने अगर डिसीजन लिया और कहा जी कोई बात नहीं, इम्प्रिजनमेंट छोड़ दो, आप फाइन से ही काम चला लो, तो वो भी हमारा क्या बन जाएगा? कंपाउंडेबल ऑफेंस। लेकिन उसकी डिसीजन कौन लेगा? हमारा स्पेशल कोर्ट। नाउ अब जो भी ये डिसीजंस होते हैं ये बेसिकली दिखा जाता है कि आपका जो फैक्टर है, मतलब जो आपने ऑफेंस किया है वो कितना छोटा है या वो कितना बड़ा है, और उसके अंदर आपकी विलिंगनेस थी कि नहीं, मतलब आपने वो जानबूझ के किया, नोइंगली किया या फिर वो भूल चूक से हो गया। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट ये ऑफेंसेस को क्लासिफाई किया जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर ऑफेंस रजिस्टर मेंटेन करने का, ये किसमें कवर होता है? हमारा कंपाउंडेबल ऑफेंस के अंदर कवर होता है। फिर बात आती है नॉमिनेशन की। अगर भैया नॉमिनी है तो उसके लिए क्या होगा? तो आपको MGT 1 जो MGT 2 जो 2 फॉर्म थे आपके, या तो मेंबर्स के या डिबेंचर होल्डर्स के, उन दोनों के अंदर आपको नॉमिनीज की डिटेल भी आपकी मेंशन करके भेजनी होती है किसको? रजिस्ट्रार को। मतलब जो मेंटेन की जाएगी वो भी उसके अंदर नॉमिनी की डिटेल्स भी आपकी मेंटेन करनी होगी आपको। नाउ 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। जो दोनों एग्जाम्पल है, ये दोनों एग्जाम्पल बेसिकली कुछ नहीं है, एग्जाम के क्वेश्चन है। ये दोनों एग्जाम्पल जो है ये एग्जाम के क्वेश्चन है, जो कि पीछे एग्जामों में आए हुए हैं, अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जी, पहला सवाल है वो क्या बात करता है? कह रहा है मिस्टर जोए परचेज, 2 क्वेश्चन है, फटाफट से हो जाएगा, ध्यान रखना है। मिस्टर जोए परचेज दी शेयर्स ऑफ लग्जरी हेयर स्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड एट मार्केट प्राइस इन द नेम ऑफ हिज डॉटर मिला, हु इज 4 ईयर ओल्ड।
ठीक है जी, डॉटर के नाम पे लिया, 4 साल की डॉटर है, मतलब माइनर है। मिस्टर जोई, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज अप्रोच्ड यू टू एडवाइज हिम ऑन अपडेशन ऑफ द सेड चेंजेस इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स सिंस मीला बीइंग अ माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इन हर कैपेसिटी। तो आपसे एडवाइस मांगी जा रही है कि इसको कैसे रजिस्टर किया जाए। तो आपको पता है कि जब माइनर को रजिस्टर किया जाता है तो आपको माइनर की सारी डिटेल्स तो लेनी ही लेनी है, अलॉन्ग विद दैट उसकी गार्जियन की डिटेल्स भी होनी चाहिए, जो भी उसका गार्जियन है उसके साथ ही आप उसको एंटर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली बात है, जो आपका फॉर्म होगा वहां पे कौन सा होगा, MGT 1, मेंबर्स की बात हो रहा, शेयर्स की बात कर रहा, तो MGT 1 होगा। चलिए, तो मतलब अलॉन्ग विद दी गार्जियन डिटेल्स तभी आप एंटर कर सकते हो, विदाउट दैट आप नहीं कर पाओगे। अगली बात करता है एग्जांपल नंबर 2, वो कह रहा है मिसेज एंड मिस्टर तनेजा रिसेंटली गॉट मैरिड एंड जॉइंटली परचेज द शेयर्स ऑफ द ऑफ न्यू होप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑन 14th अगस्त 2016। मिस्टर तनेजा इंटीमेटेड द कंपनी दैट ओनली द नेम ऑफ हिज वाइफ शुड अपीयर इन द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। कह रहा है जी कंपनी के रिकॉर्ड में तो उन्होंने ऑल्दो जॉइंटली परचेज किए थे शेयर्स, लेकिन वो कह रहा है कंपनी के रिकॉर्ड में सिर्फ उसकी वाइफ का नाम होना चाहिए। For the shares purchased by them, the secretary of the company is not sure. Secretary जो वो sure नहीं है, whether this is possible, क्या ये possible है नहीं? Given that the shares are held in the names of the both, given that the shares are held in the names of the both the persons, मतलब दोनों के नाम पे shares हैं, तो इसको क्या किया जाए? वो sure नहीं है, आपको बताना है। तो देखो जी, आपको क्या बताना है इसके अंदर? अब ये कहीं से relate नहीं कर रहा पीछे से, but एक example है, ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि थोड़ा सा unique है। अब क्या है इसका आंसर बेसिक कि भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकता है, हमारा जो ज्वाइंट होल्डर होते हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी हमारे नाम को सर्टेन ऑर्डर में रखो, कि किसको आप उसको स्प्लिट करवाना है, तो आप उसके लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भैया स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करने का मतलब क्या होता है? सपोज हमने ज्वाइंटली शेयर्स परचेस किए 100 और मैं कहता हूँ जी वाइफ के नाम पे 20 कर दो, मेरे नाम पे 80 कर दो, या वाइफ के नाम पे 80 कर दो, मेरे नाम पे 20 कर दो, अकॉर्डिंगली हमें डिविडेंड प्रोवाइड कर दें। तो इस टाइप की पॉसिबिलिटीज भी पॉसिबल है, बट ये कह दो कि दूसरे का नाम पूरा हटा दिया जाए और एक का नाम पूरी तरीके से रख लिया जाए, ये पॉसिबल नहीं होता था। थिंग इज कि आप ऑर्डर के लिए, अगर किसी ऑर्डर में रखना है कि जी मेरी वाइफ का नाम पहले लिखना, मेरा नाम बाद में लिखना, ये चीजें पॉसिबल है, बट आप कह रहे हो कि लिखना ही नहीं, तो वो चीज पॉसिबल नहीं होती है एज पर रूल्स। तो ये आप पक्का बेसिकली आंसर बनता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 88। इसके अंदर हमने क्या क्या देखा है? रूल नंबर 3, 4, 5, 6 देखा है, सब सेक्शन हमने 1 से लेकर 5 तक देखे हैं और 2 इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखे हैं। चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट पार्ट बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर।